बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन बोटी मसाला। इससे पहले कि रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इस रेसिपी से बेहतरीन नतायज हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रिटर्न रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 750 ग्राम या 3 पाव मुर्गी का गोश्त लिया है, जिसको तिक्का बोटी कट में कटवा लिया है। आप बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बोन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मैरिनेशन में सबसे पहले जाएगा नमक हस्ब ज़ायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, देगी मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1/4 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, दही 1 प्याली, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसका मैरिनेशन का टाइम काफ़ी कम है, 10-15 मिनट में ये बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा। सारे अज्जा आपस में अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अब इसको ढक के 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1/4 प्याली या 4 खाने के चम्मच के बराबर तेल, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, इतनी देर तक इस प्याज को पकाएंगे कि इसका रंग हल्का सुनहरा हो जाए। ये देखें, प्याज सुनहरा होने लग गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, एक चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2-3 मिनट इसको पका देंगे। 2-3 मिनट पकाने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे मुर्गी जो मैरिनेट की थी। अब इसको तकरीबन 4-5 मिनट तेज आंच के ऊपर पकाएंगे। पाँच मिनट इसको अच्छी तरह से पकाया है तेज़ आंच पे, अच्छी तरह से भुन चुकी है मुर्गी। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 प्याली पानी, 1/4 प्याली पानी। अब इसको ढक के इतनी देर तक पकाएंगे कि ये पानी तकरीबन खुश्क हो जाए, मसाला सा बन जाए, इसमें ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और मुर्गी मुकम्मल तौर से गल जाए। इसके साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर एक कोयला रखा है दहकने के लिए, जिसका धुआं देंगे इसको। मुर्गी को चेक कर लेते हैं, ये गल चुकी है। अब आंच को धीमा कर लेंगे। एक कटोरी रखी है मैंने स्टील की, जिसके ऊपर जो कोयला दहकाया था वो रखेंगे।
एक दो कतरे तेल के डालेंगे इस पे, और अब इसको 2 से 3 मिनट ढक के कोयले का दम देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हम ये कोयला निकाल लेंगे इसमें से। अब इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच मसल के शामिल कर देंगे, नींबू के स्लाइसेस, जुलियन कट कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें स्लाइसेस में कटी हुई लेकिन बहुत बारीक कटी हुई नहीं होनी चाहिए, प्याज के लच्छे, अब इसको धीमी आंच पे 2-3 मिनट दम देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, चिकन बोटी मसाला तैयार हो गया है, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। रायते नान और सलाद के साथ सर्व करिए आप इसको। बहुत जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेते हैं। लेमन के स्लाइसेस, चिकन बोटी मसाला अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।